गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज वंदना दिवांगन फ्रॉम भारती कॉलेज आईआईटी दिल्ली। टुडे माय टॉपिक इज टीचिंग स्किल। लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि टीचिंग स्किल क्या है, तो टीचिंग स्किल को मैंने आपको बताया था कि टीचिंग स्किल दो शब्दों से मिलकर बना है, टीचिंग और स्किल। तो हमने लास्ट वीडियो में सिर्फ हमने टीचिंग के बारे में डिस्कशन किया, टीचिंग क्या है, टीचिंग का मीनिंग, टीचिंग का डेफिनेशन, प्रोसेसिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, तो हम मैं अभी आपको बता रही हूँ प्रोसेसिंग ऑफ टीचिंग क्या प्रोसेसिंग है, इसका किस प्रकार से शिक्षण की प्रक्रिया चलती है। ठीक है, तो शिक्षण की प्रक्रिया किस प्रकार चलती है, जब बालक जन्म लेता है तो उसके जन्म होने के उपरांत ही बच्चे करके है टीचिंग की जो प्रक्रिया है वो स्टार्ट हो जाती है। जैसे बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद में क्या होता है, जब वो माँ के संपर्क में आता है तो माँ क्या करती है, बच्चे से बात करती है। भले बच्चा उस चीज को समझे ना समझे, उसको उसका मतलब समझ आए या ना आए, लेकिन क्या होती है, माँ बच्चे से बात करती है। माँ बोलती है कि पापा, मम्मी, दादा, दादी, जो भी है, माँ क्या करती है, बच्चे से बात करती है। ठीक है, तो यही पे क्या होता है, बालक की जो है शिक्षण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। और जब माँ शिक्षण करती है तो क्या होता है, शिक्षण के साथ साथ उसकी लर्निंग की भी प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाती है। लर्निंग का अर्थ होता है सीखना। जैसे ही हम बालक को सिखाने की प्रक्रिया स्टार्ट करते हैं, वैसे वैसे बच्चे की सीखने की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाती है। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया और लर्निंग की प्रक्रिया क्या होती है, एक साथ चलती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जब टीचिंग करते हैं तो क्या होता है, टीचिंग के साथ साथ उसकी सीखने की प्रक्रिया क्या होती है, स्टार्ट हो जाती है। तो टीचिंग कैसे स्टार्ट होती है, टीचिंग दो प्रकार से होता है, एक होता है फैमिली के द्वारा और एक होता है स्कूल में। जब बच्चा जन्म लेता है तो जन्म लेने के बाद जब वो माँ के संपर्क में आता है तब क्या होता है, उसे इनफॉर्मल एजुकेशन मिलता है। मतलब जब बच्चा माँ से बात करता है, सुनता है या बातचीत करता है तो वो कौन सी शिक्षा होती है, इनफॉर्मल एजुकेशन। ठीक है, फिर उसके बाद जब बच्चा थोड़ा बड़ा होता है, 2-3 साल का होता है, जब स्कूल जाने लगता है, 2 साल में जब प्ले ग्रुप में जाने लगता है, तो वो किसे शिक्षा प्राप्त करता है, टीचर से। तो टीचर से जो शिक्षा प्राप्त करता है उसको कहा जाता है फॉर्मल। ठीक है, तो क्या होता है, बच्चा क्या होता है, इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों प्रकार की शिक्षा प्राप्त करता है। ठीक है, तो हमने क्या देखा, प्रोसेसिंग ऑफ टीचिंग। ठीक है, अब हम देखते हैं शिक्षण का स्वरूप। शिक्षण का स्वरूप कैसे होता है, टीचिंग का स्वरूप क्या होता है। सबसे पहला पॉइंट जो होता है, शिक्षण सूचना देना। मतलब शिक्षण का स्वरूप क्या है, पहला है कि सूचना प्रदान करना। मतलब हम क्या करते हैं, बच्चे को सूचना देते हैं। जैसे कक्षा कक्ष में क्या होता है, क्लासरूम में क्या करते हैं, टीचर स्टूडेंट को नई नई सूचना प्रदान करते रहता है। क्यों करते रहते हैं, क्योंकि छात्र को हर चीज के बारे में नॉलेज नहीं होता। सबसे ज्यादा क्या होता है, प्राइमरी स्कूल के बच्चों को टीचर क्या करती है, नई नई शिक्षा प्रदान करते रहती है। बच्चों को टीचर क्या करते हैं, क्लासरूम के साथ साथ, एजुकेशन के साथ साथ, आसपास के वातावरण में जो भी चीजें हो रही है, जो घटनाएं हो रही है, अच्छी घटनाएं, बुरी घटनाएं, जो भी हो रही है, वो सभी चीजों का क्या करते हैं, टीचर क्या करते हैं, सूचना देते हैं, ताकि बालक क्या कर सके, उस सूचना के द्वारा कुछ समझ सके, शिक्षा प्राप्त कर सके। ठीक है, फिर दूसरा शिक्षण जो होता है, वो दूसरा जो स्वरूप होता है, शिक्षण सिखाना होता है। मतलब क्या होता है, जब हम बालक को सूचना देते हैं, जब हम बालक को सूचना देते हैं, जब हम बालक को समझाते हैं, तो क्या होता है, बच्चा सीखता है। मैंने आपको अभी बताया कि टीचिंग के साथ साथ में क्या होती है, लर्निंग स्टार्ट होती है ना। तो बच्चे को जब हम शिक्षण देते हैं तो शिक्षण के साथ साथ में क्या होता है, बच्चा सूचना जब प्राप्त करता है तो वो सीखता भी है ना, सीखता भी है, उसे क्या करते हैं, नई नई चीजों के बारे में नॉलेज भी होता है। ठीक है, फिर थर्ड पॉइंट है, शिक्षण प्रेरित करता है। शिक्षण कैसे प्रेरित करता है, जब हम बच्चों को सूचना देंगे उसके बाद में बच्चा क्या करेगा, सीखेगा, है ना, सीखना सीखता है। और सीखने के बाद क्या होता है, उसे प्रेरणा मिलती। सपोज जैसे कि मैं आपको अभी आपको बता रही हूँ शिक्षण कौशल क्या है, आपको मैं बता रही हूँ शिक्षण प्रक्रिया क्या है। आपको मैंने बताया कि शिक्षण प्रक्रिया 3 अंगों से मिलकर चलती है, टीचर, स्टूडेंट और करिकुलम, पाठ्यक्रम। मतलब शिक्षण की प्रक्रिया जो होती 3 अंगों से, शिक्षक, छात्र और पाठ्यक्रम के द्वारा ही चलती है। इन तीनों में से अगर कोई भी अंग एब्सेंट हो तो शिक्षण की प्रक्रिया अच्छे से नहीं चल सकती। तो मैंने आप लोगों को ये सूचना
शिक्षा अपने परिवार से भी लेते हैं, अपने बड़ों से भी लेते हैं, छोटे से भी लेते हैं, प्लस हम क्लास में भी शिक्षा प्राप्त करते हैं। सबसे बड़ा मार्गदर्शन जब होता है, आप लोगों ने देखा होगा जब बच्चा क्लास टेंथ में होता है तो टेंथ के बाद उसको सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है ना, तो सब्जेक्ट सिलेक्शन करना होता है तो शिक्षा के द्वारा जब उसको स्कोप के बारे में बताया जाता है कि कौन सा सब्जेक्ट आप सेलेक्ट करेंगे तो कौन से जॉब में या व्यवसाय में रहेगा, तो ये सब चीजें क्या होती है कि हमको शिक्षण के द्वारा मार्गदर्शन मिलता है। कैसे मिलता है कि जैसे हम लोग बच्चे जो छोटे होते हैं उनके पेरेंट्स बोलते हैं कि तुम बड़े होकर डॉक्टर बनना या पुलिस बनना जो भी बनना, तो हमारे मन में ये चीजें आ जाती है कि हम बड़े होकर क्या बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। तो डॉक्टर का देखो क्योंकि हमारा लक्ष्य वो है, लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो हमको मार्गदर्शन देता है, लेकिन उस लक्ष्य के साथ साथ में हमारा क्या है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमको क्या करना, प्रेरित करना कि अगर मुझे डॉक्टर बनना है तो मुझे क्या करना है, साइंस में आगे होना, मुझे साइंस के बारे में पढ़ना है और मुझे उसमें इंटरेस्ट है। अगर मुझे साइंस में इंटरेस्ट नहीं है तो मैं उस कार्य को नहीं कर सकती। तो शिक्षण के द्वारा क्या किया जाता है, टीचर के माध्यम से टीचर क्या करते हैं, आपको साइंस को पढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है, उसमें अच्छे मार्क्स लाएंगे आप, जब अच्छे मार्क्स लाएंगे तभी आपको वो सब्जेक्ट मिलेगा। तो शिक्षण के द्वारा क्या होता है, मार्गदर्शन प्राप्त होता है, ठीक है। इसी प्रकार आपको जीवन में भी अनेक प्रकार के उतार चढ़ाव आते हैं, तो इसी प्रकार उस आरंभ में अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए भी टीचिंग के माध्यम से क्या होता है, आपको मार्गदर्शन मिलता है, ठीक है। फिर फिफ्थ पॉइंट क्या है, शिक्षण वातावरण से अनुकूलन करने में सहायता देता है। कैसे देगा कि जब हमको शिक्षा प्राप्त होगी, जब हमको सूचना मिलेगी, जब हम सीखेंगे उसके बारे में जानेंगे, तो हम उस वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल सकते हैं। अगर हमको उसके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो हम वातावरण के अनुसार अपने आप को नहीं ढाल सकते, लेकिन जब हमको शिक्षा मिल जाएगी तो हम अपने वातावरण के साथ एडजस्टमेंट करेंगे, है ना। जैसे हम अपने जीवन में देखते हैं, हमारे जीवन में सुख और दुख दोनों प्रकार की चीजें आती है। अगर आज हमारे जीवन में सुख है तो कल दुख आना जरूरी है, और दुख है तो सुख आना जरूरी है, तो हम उसी अनुसार अपने आप को ढालते हैं। अगर हम अपने आप उस अनुसार नहीं ढाल पाते तो क्या होता है, हम प्रॉब्लम में आते हैं, हम रोते हैं, परेशान होते हैं। उसी प्रकार शिक्षण क्या करता है, बालक को क्या करता है, जो शिक्षण की प्रक्रिया होती है, जिस प्रकार का वातावरण होता है उस प्रकार उसको ढालने के लिए क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। जैसे आप किसी स्कूल का ट्रांसफर, जैसे आपके आपके पेरेंट्स का अगर ट्रांसफर हो गया तो आपका स्कूल चेंज करना ही पड़ेगा, तो फिर क्या करेंगे, आपको उस एजुकेशन के अनुसार क्या करना पड़ेगा, आपको आप वातावरण के अनुसार अपने आपको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। फिर लास्ट पॉइंट आपका शिक्षण सहयोगी होता है। कैसे होता है सहयोगी, जब आप इन सब चीजों के बारे में जानने लगेंगे, आपको सूचना मिलेगी, आप इसके बारे में सीखेंगे, उस कार्य को करने के लिए प्रेरित होंगे, तो क्या होगा, वो सहयोगी होगा आपको, इस सभी कार्य को करने के लिए क्या होगा, शिक्षण आपको सहयोग प्रदान करता है, ताकि जिस प्रकार का वातावरण हो उस प्रकार से आप क्या कर सके, अपने आप को एडजस्ट कर सके, ठीक है। हमने पढ़ा अभी शिक्षण का स्वरूप, फिर अब हम देखते हैं स्किल। हमने लास्ट वीडियो में देखा था शिक्षण, अब हम देखते हैं स्किल। स्किल क्या होता है, कौशल, हिंदी में क्या होता है, कौशल। कौशल क्या होता है, कार्य करने का तरीका, मतलब कि हर व्यक्ति में किसी न किसी कार्य को करने की अलग अलग तरीके होते हैं, अलग अलग स्किल्स होते हैं, और ये व्यक्तियों में स्किल को करने को डेवलप करने का क्या होना चाहिए, क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो क्या होता है, टीचर क्या करते हैं, टीचर क्लासरूम में आता है तो क्लासरूम में आता है तो अपनी स्किल के साथ आता है, मतलब टीचर्स को क्या होना चाहिए, टीचिंग करने की स्किल्स होनी चाहिए। अलग अलग टीचर्स की अलग अलग स्किल होते हैं, अलग अलग तरीके से पढ़ाने का जो तरीका होता है, तो हर किसी में क्या होना चाहिए, स्किल्स होने चाहिए। जैसे एग्जाम्पल है, सैनिक के पास क्या होता है, बंदूक। क्या होता है, सैनिक को क्या सिखाया जाता है, बंदूक चलाना सिखाया जाता है। धनुर्धारी को क्या किया जाता है, धनुष चलाना सिखाया जाता है। अगर ये जो सैनिक है, अगर समय पे अपना बंदूक इस्तेमाल कैसे किया जाता है, अगर वो नहीं कर पाया, मान लो के बाद अगर फायरिंग हो रही है और वो सैनिक अगर क्या करे, बंदूक का यूज ना कर पाए, तो वो क्या हो सकता है, वो मर भी सकता है, दूसरे के क्या होता है, बंदूक की गोली का शिकार हो सकता है। इसी प्रकार टीचर को क्या करना चाहिए, अपने टीचिंग स्किल में निपुण होना चाहिए, ताकि क्या कर सके, वो अच्छे से बच्चों को पढ़ा सके। तो हम क्या देखते हैं, एक परिभाषा देखते हैं बी के पासी के अनुसार, शिक्षण कौशल क्या होता है, किसकी परिभाषा देखेंगे, शिक्षण कौशल की। शिक्षण कौशल की परिभाषा, शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं अथवा खुद व्यवहारों के संपादन से है, जो छात्रों के सीखने के लिए क्या करता है,
सुगमता प्राप्त कर, सुगमता से प्राप्त करने के लिए वो वातावरण क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं, ताकि बालक क्या कर सके, अच्छे से सीख सके। मतलब टीचिंग स्किल का मतलब ये होता है कि टीचर्स के पास क्या होना चाहिए, टीचिंग करने की अलग अलग स्किल्स होना चाहिए। क्योंकि अगर आपकी क्लास में अगर 6 सब्जेक्ट के 6 टीचर आ रही है तो सभी टीचर्स के पढ़ाने का जो तरीका होता है वो अलग अलग होता है, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, टीचिंग क्या है, टीचिंग का स्वरूप पढ़ा, फिर हमने पढ़ा कौशल क्या है, कौशल, उसके बाद क्या पढ़ा, टीचिंग कौशल के डेफिनेशन पढ़ा, उसकी मीनिंग पढ़ी, और हमने क्या पढ़ा, उसकी परिभाषा पढ़ी। तो हम क्या करते हैं कि हम देखते हैं कि टीचिंग स्किल क्या है और क्या देखा हमने, टीचिंग क्या है। तो टीचिंग स्किल का अर्थ क्या होता है कि टीचर के